हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ, फैन रेगुलेटर है ये वाला है। इसके बारे में ये हम रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कितने तरह के आते हैं रेगुलेटर। ये चार पांच तरह के आते थे आज से पहले, अभी सिर्फ ये दो चल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ये SCR वाला है, इसमें BT 136 और या थोड़ा सा जो 400 वाट का होता है उसमें BT 16 लगा देते हैं। जो इसका SCR है वो ज़्यादा एम्पीयर का लगा होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद आए थे ये वाले जो आजकल चल रहे हैं, जो कि कैपेसिटर वाले हैं। और उससे पहले, इनसे पहले क्या आता था कि आपने देखा होगा कि एक चीनी मिट्टी होती है, जिसपे चीनी मिट्टी की प्लेट, उसमें एक स्प्रिंग लगाया जाता था, हीटर का स्प्रिंग था वो, तो वो काफ़ी गर्म होते रहते थे और बिजली की खपत भी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। एक तो बिजली पंखा का था, ऊपर से वो जो हीटर उसमें लगा था वो भी उसकी खपत करते थे। और उससे पहले दोस्तों आते थे ट्रांसफार्मर वाले, चोक टाइप, जैसे छोटा सा ट्रांसफार्मर है उसमें काफ़ी लेंथ जो कॉयल की, कॉपर की लगा देनी, तो उससे पहले वो होते थे। मैंने तीन, एक में रेजिस्टेंस लगी होती थी, एक में रेजिस्टेंस लगी होती थी काफ़ी वाट की थी। मैंने ये पांच आज तक देखे हैं। हाँ, अभी मैं बता दूं कि जो ये दोनों हैं, इसमें और इसमें क्या अंतर है, जो भी दो चल रहे हैं। जो ये वाला आप देख रहे हो SCR वाला, इसमें प्रॉब्लम है कि जब आप पंखे की स्पीड स्लो करते होंगे तो आपको हमंग की आवाज़ आती होगी। पंखा थोड़ा थोड़ा हमंग देता है, आवाज़ आती है। और ये जो है कैपेसिटर वाले, इसमें दोस्तों पंखा आवाज़ नहीं करता, बेशक आप कितना भी स्लो पंखा चला लो, इसमें पंखा आवाज़ नहीं करता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये मैं बता दूंगा आपको, ये हम रिपेयर करेंगे, आप भी कर सकते हो और बहुत सस्ता तरीके से कर सकते हो। इसमें दोस्तों ये देखें, ये एक नंबर पर जो सप्लाई है इसकी इतनी है, स्लो में सही है। उसके बाद दो पर करूँगा फुल हो जाएगा, तीन पर कोई फर्क नहीं, चार पर कोई फर्क नहीं, उसके बाद आता है पाँच, पाँच पर ऑफ हो गया ये, क्योंकि इसमें चार ही पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, सिर्फ एक नंबर सही चल रहा है और जो बाकी का है वो नहीं चल रहे हैं। तो इसमें फॉल्ट कहाँ पर है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं, कोई SCR नहीं, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं, सिर्फ ये दो कैपेसिटर और ये चार रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये चार रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस तो जो ये कैपेसिटर है इसके पैरेलल में लगी है इसको डिस्चार्ज करने के लिए। तो इसमें क्या रहेगा कि एक कैपेसिटर ये वाला है, जो ये है, इसका नंबर है 245 और इसका नंबर है दोस्तों 335। आपको, आपने देखे होंगे कि अगर आप बाजार में लोगे तो ये आपको वहां से कैपेसिटर नहीं मिलेंगे, इतने बड़े साइज के, इतने इतनी बड़ी वैल्यू के आपको कैपेसिटर नहीं मिलेंगे। तो मैंने भी कई बार देखा था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई क्रिएट। फिर मैंने इसका जो नंबर है वो देखकर देखा कि इसमें कौन सा कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों आप पंखे वाला यूज कर सकते हो, पंखे वाला। ये मेरे पास चार का है, 4 MFT, 4 UF, तो ये 4 UF हो तो हो गया। तो इसका नंबर कितना बना? इसका नंबर दोस्तों बन जाता है 405, 405, क्योंकि जो बाजार में मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 225 तक मिलेंगे, जो छोटी चाइना की बैटरी चार्ज होते हैं उसमें लगे हैं 225, इससे बड़ा नहीं मिलेगा आपको। तो ये उससे आसान है। इसका क्या करेंगे, आपके इसकी जो हाउजिंग है वो हम निकाल देंगे, इसकी जो हाउजिंग है वो हम निकाल देंगे अगर आपके पास जगह। ये देखें, ये मैंने इसकी हाउजिंग बाहर निकाल दी, ये चार का है। अगर आप तीन का लोगे तो वो तीन का तो इससे भी छोटा होगा, जो 335 का है वो इससे भी छोटा होगा। इसकी हाउजिंग हमने निकाल दी। अगर आपके पास जहाँ पर ये आप फिट कर रहे हो उसके पीछे थोड़ी बहुत तो जगह होती ही है, तो आप उस पर इस तरह से लगा सकते हो। मैं अभी आपको पहले लगा कर दिखा दूँ,
इसको लगाकर दिखा दूं कि वाकई में ही ये काम करता है। और दोस्तों मैंने तो कई घर पर इसी तरह से चला कर रखे हुए हैं क्योंकि ये काफ़ी ख़राब होते रहते हैं। ये देखें, ये कंडेंसर फूल चुका है, इस तरह से आप देख रहे होंगे इसकी शेप ख़राब हो चुकी है। ये देखें, ये बिल्कुल सही शेप में है अभी, तो कई में तो ये फट ही जाता है कंडेंसर, ये फट जाता है। तो हम इसकी जगह पर ये लगा देंगे, लगाना आपने वहाँ पर ही है जहाँ से वो जो पहले उतारा था, वो आपने ख्याल रख लेना इस बात का कि जहाँ से आपने पहले उतारा था। ये नहीं, ठीक है जी। अब लगे, अब हम इसको करते हैं चेक के जो, ये देखें, एक नंबर पर डिम है, दूसरे पर ये अभी काम कर रहा है, थोड़ा सा तेज, उससे तेज, और ये फुल, उसके बाद ऑफ। ये दोस्तों कोई फेक वीडियो नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल काम करती है, 100% काम करता है। तो ये 15-20 रुपए का आता है, और आपका जो रेगुलेटर है अगर लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा होगा। कई तो जो आजकल स्विच आ रही हैं, फिटिंग वाली स्विच हैं, वो तो 300-300 रुपए का रेगुलेटर देते हैं। तो उसमें सिर्फ आप ये देखो, कैपेसिटर देखो, क्योंकि ये स्विच वगैरह इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहती है। सिर्फ जाता है तो यही आएगा, ये जाएगा या ये जाएगा, वो देख लेना आप, जो भी है तो वो आप लगा सकते हो। दोस्तों इतनी मेरी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगे, काम की लगे, तो लाइक कर देना, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना।